नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं चक्रधाम के। तो दोस्तों यहाँ पे हम नैमिषारण्य में हैं इस समय, जो कि सीतापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो वहाँ पे हम आपको ले जा करके चक्रधाम के दर्शन कराते हैं। और कहा जाता है कि विष्णु जी का चक्र यहीं पे आके गिरा था, और ये धरती का एक केंद्र बिंदु भी बोला जाता है। तो अगर आपने अभी तक नैमिषारण्य को नहीं आए हैं तो आप आ करके यहाँ पर दर्शन कर सकते हो। और अगर आप आना नहीं चाहते तो डायरेक्ट मैं आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फुटेज दिखाऊंगा और आपको अपने घर बैठे यहाँ के दर्शन करने के चांस मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आपको लेकर चल रहे हैं चक्र की तरफ और दिखाते हैं वहाँ की एक ब्लॉग वीडियो, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और फिलहाल दोस्तों हम पहुँच चुके हैं चक्र के अंदर। यहाँ पर उसका नज़ारा मैं आपको दिखा दूँ, कुछ इस प्रकार से है। और नज़दीक ले जा कर के दिखाऊंगा तो आपको बहुत ही बेहतरीन लुक यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो मैं कैमरा जो है बैक करता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे चक्र के दर्शन में आपको यहीं से करा रहा हूँ। ये देखिए लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे विष्णु जी का चक्र गिरा हुआ था, तो इतना गहरा यहाँ पे कुआं बन गया, जो कि बिना धरती का एक कुआं बताते हैं। यहाँ पे धरती का कोई अंत नहीं है और बिना पर्दे की धरती यहाँ पे बोलते हैं। और इस चक्र में कभी पानी कम नहीं पड़ता, जितना आपको भरा देखने को मिल रहा है उतना पानी आप हमेशा यहाँ पे देखने को पाओगे। तो थोड़ा नज़दीक हम आपको लेकर दिखाते हैं। इधर आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, इधर भी मंदिर है और चारों तरफ मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। और यहीं पे ये चक्र आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें जितना पानी आपको इस समय देखने को मिल रहा है कि हमेशा इतना ही मेरे को मिलेगा। अगर इसमें एक भी बूंद पानी डाला जाता है तो दूसरे साइड में, यानी कि पास में जो गोमती नदी है वहाँ पे पहुँच जाता है, ऐसा लोगों का यहाँ मानना है। लोग यहाँ पे आकर के स्नान करते हैं। और आज फिलहाल भीड़ भाड़ कम है, अमावस्या के दिन यहाँ पे काफ़ी बड़ा मेला लगता है और उस समय बहुत सारी भीड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो हम लोग इसी वजह से अमावस्या के दिन नहीं पहुँचे, ताकि जो है भीड़ का सामना हमें ना करना पड़े। यहाँ पे आप देख सकते हो चक्र के जस्ट सामने ये काफ़ी अच्छा बिल्डिंग बना हुआ है। यहाँ पे लोग बैठ करके पूजा पाठ करते हैं और अपना जो कि धार्मिक दक्षिणा करना होता है वो यहाँ पे करते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हालांकि आज अमावस्या नहीं है। अमावस्या अगर होती तो यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग देखने को मिलते, और सामने वहाँ पर आपको चक्र देखने को मिल रहा होगा। तो देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लुक यहाँ पर है। और जस्ट साइड में ये आप देख सकते हो ये गेट है, और यहाँ से हो करके चक्र के अंदर लोग प्रवेश करते हैं। और दोस्तों अब हम ये क्रॉस कर रहे हैं, और इस तरह से हम अपना चक्र की जो यात्रा है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जिस आपके दोस्त ने अभी चक्र के दर्शन नहीं किए हुए हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी चक्र के दर्शन कराना। और हो सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, जिससे हमारे इसी तरह के वीडियो आपके पास हमेशा आते रहें। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा समय भी हो चुका है, अब हमें घर पे भी जाना है, और हमारा गांव भी यहाँ से काफ़ी दूरी पे है। तो इस वजह से अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। और इधर साइड में आप देख सकते हैं चक्र है, और सामने गेट है जहाँ से होकर हम अपने गाड़ी की तरफ जाएंगे। और दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।